थाना बसई अरेला के गांव स्याहीपुरा में खुलेआम चल रही हेयर कटिंग की दुकान पर बाल कटवाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। मानो लॉकडाउन से उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से समूचा विश्व जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। हालांकि पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, फिर भी ये लोग को किसी भी तरह का भय नहीं है। सही चौराहे पर से एक दुकान पर कार्रवाई की गई है। सर क्या कार्रवाई, किस उपलब्ध में कार्रवाई की गई है? हम लोग निरंतर लॉकडाउन के नियमों का पालन करने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा लोगों को सजग और जागरूक कर रहे हैं। इसके उपरांत भी यह कस्बा स्याहीपुरा में सुरेंद्र सनौप राम रचपाल कांकरखेड़ा का ये नाई की दुकान करता है। ये बार बार लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान को खोलता था, उसमें काफ़ी भीड़ भाड़ रखता था, न कोई मास्क लगाए रहता था, न कोई कुछ, जिससे यह संक्रामक बीमारी फैलने की संभावना थी। जिसको दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन के उल्लंघन पर धारा 188 और महामारी जैसी बीमारी में लापरवाही करने को 269 IPC के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत कार्रवाई की गई है। इसी तरह यदि और कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध भी इसी तरह विधिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।